दोस्तों, इंडिया में 5G फोन का क्रेज काफी बढ़ता जा रहा है और बहुत सारी मोबाइल कंपनियों ने 5G फोन तो लॉन्च किया है, लेकिन वो काफी महंगे होते हैं। लेकिन अब जाकर बहुत सारे ब्रांड ने ऐसे 5G फोन लॉन्च किए हैं जो कि काफी सस्ते हैं और बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन दोस्तों, इंडिया में अभी तक 5G नेटवर्क पूरी तरह से लॉन्च नहीं हुआ है। फिर भी एक बात तो बोलना पड़ेगा कि 5G फोन का नेटवर्क 4G फोन से काफी फास्ट है। यानी कि दोनों फोन में अगर आप 4G सिम लगाते हो, फिर भी यहाँ पर 5G फोन 4G फोन से काफी ज्यादा इंटरनेट स्पीड आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये अच्छी बात है 5G फोन की। तो अगर आप एक अच्छा 5G फोन खरीदना चाहते हो अंडर 15,000 रुपए के प्राइस में, तो इस वीडियो में आपको अंडर 15,000 रुपए के प्राइस में आने वाले सबसे अच्छे 5G फोन के बारे में बताऊंगा, जिसमें आपको 5G का नेटवर्क तो मिलेगा ही, साथ ही कमाल के फीचर्स मिलेंगे। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्किल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, इस सीरीज का पहला 5G फोन है ओप्पो का ओप्पो A53s 5G और ये अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। अभी आपको फ्लिपकार्ट पर सेल में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ये फोन काफी अच्छे डिजाइन के साथ आता है। देखा जाए तो काफी स्लिम टाइप का डिजाइन है और इसमें आपको मिलता है एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट। साथ ही इस फोन में आपको मिल जाएगा साइड माउंट वाला फिंगरप्रिंट सेंसर। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इस फोन के मेन फीचर्स की। तो इसमें आपको 6.52 इंच यानी कि लगभग 6.5 इंच की HD+ वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर आपको मिलेगा 60Hz का रिफ्रेश रेट। दोस्तों, यहाँ पर जो डिस्प्ले है काफी एवरेज टाइप की डिस्प्ले है। यहाँ पर कम से कम फुल HD+ तो होना ही चाहिए डिस्प्ले, लेकिन यहाँ पर HD+ है तो एक एवरेज टाइप का परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। 60Hz का रिफ्रेश रेट है तो जो टच परफॉर्मेंस है वो भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि एक एवरेज टाइप का डिस्प्ले है जो कि आपको 10,000 रुपये के प्राइस वाले फ़ोन में देखने को मिलता है। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं इस फोन के कैमरे सेटअप की। तो इसके बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरे का स्लॉट देखने को मिल जाएगा, जहां पर 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर लगा हुआ है। इसके साथ 2 मेगापिक्सल का वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा देखने को मिल जाएगा और फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो कैमरे की परफॉर्मेंस है वो भी एक एवरेज टाइप की है। आगे चलते हैं और अब बात करते हैं इस फोन में आने वाले प्रोसेसर की, यानी कि इस फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन में आपको मिलेगा मीडियाटेक डायमेंसिटी का 700 वाला चिपसेट। दोस्तों, ये जो प्रोसेसर है 7nm के साथ आता है और परफॉर्मेंस आपको इस फोन में थोड़ी सी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। इसके साथ यहाँ पर आपको 6GB का रैम देखने को मिलेगा और इसमें आपको 128GB की इंटरनल मेमोरी देखने को मिल जाती है। तो जो प्रोसेसर है और स्टोरेज है वो काफ़ी मेंटेन टाइप का देखने को मिल जाता है इसमें। इसके साथ इस फोन के बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर आपको टाइप सी का केबल मिलेगा और टाइप सी का सपोर्ट मिलेगा चार्जिंग जैक के साथ। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको कोई फास्ट चार्जर देखने को नहीं मिलता है, आपको सिर्फ एक नॉर्मल सा 10W का चार्जर देखने को मिल जाता है। ओवरऑल दोस्तों, इस फोन की बात करें तो यहाँ पर आपको एक नॉर्मल सा डिस्प्ले देखने को मिलता है, इसके साथ नॉर्मल सा कैमरा परफॉर्मेंस है, प्रोसेसर ठीक देखने को मिल जाता है और जो स्टोरेज है वो काफ़ी अच्छा है, 6GB+128GB। ओवरऑल दोस्तों, इस फोन की परफॉर्मेंस एक एवरेज टाइप की है, बट अगर आपको 5G फोन चाहिए तो ये सब आपको यहाँ पर कम देखने को मिल जाता है। तो ये एक 5G फोन है जो कि आपको 6GB+128GB के साथ देखने को मिल जाएगा और ओप्पो के फोन काफ़ी महंगे होते हैं, आप लोगों को पता है। तो अगर आप इस फोन को परचेज करना चाहते हो तो इसे आप फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हो 14,990 रुपये में। तो दोस्तों, इस सीरीज का दूसरा 5G फोन है Realme का Realme 8 5G जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है और इस फोन में आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। सबसे पहली बात दोस्तों कि इसमें आपको मिलता है साइड माउंट वाला फिंगरप्रिंट सेंसर, इसके साथ यहाँ पर आपको मिलेगा एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट। आगे चलेंगे दोस्तों, बात कर लेते हैं इस फोन में क्या क्या मिलता है, यानी कि इस फोन के मेन फीचर्स की। तो इसमें आपको 6.5 इंच की फुल HD+ वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और इसके साथ आपको मिलता है 90Hz का रिफ्रेश रेट। तो एक अच्छा डिस्प्ले होना चाहिए, वो इसी तरह का होना चाहिए और 5G फोन के साथ मिल रहा है तो ठीक ठाक ही है, बहुत ही अच्छा है। इसके साथ दोस्तों, बात करते हैं इस फोन के कैमरे परफॉर्मेंस की। तो इस फोन की बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरे का स्लॉट देखने को मिलता है, जहां पर 48MP का मेन कैमरा सेंसर लगा हुआ है। इसके साथ दोस्तों, यहां पर आपको 2MP का माइक्रो और 2MP का डेप्थ सेंसर कैमरा देखने को मिल जाता है। अगर सेल्फी कैमरे की बात करें तो फ्रंट में आपको 16MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो कैमरे की परफॉर्मेंस इस फोन में आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। आगे चलते दोस्तों, बात कर लेते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस की।
तो दोस्तों इस फोन में भी आपको सेम टाइप का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि मीडियाटेक डायमेंसिटी का 700 है, यानी कि पिछले वाले फोन में जितना परफॉर्मेंस आपको मिलेगा सेम परफॉर्मेंस आपको इसमें भी मिल जाता है। इसके साथ ये प्रोसेसर 7nm के साथ आता है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों इस फोन में आपको मिलता है स्टोरेज के मामले में 4GB का रैम और 128GB की इंटरनल मेमोरी, साथ ही यहाँ पर भी आप इसे एक्सपेंड कर सकते हो 1TB तक। दोस्तों इस फोन के बैटरी बैकअप की बात करें तो इसमें भी आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। इसके साथ दोस्तों इस फोन के ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन में आपको काफ़ी अच्छा डिस्प्ले देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। इसके साथ यहाँ पर आपको एक अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलता है और कैमरे की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। ओवरऑल दोस्तों इस फोन में आपको हर एक परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है, लेकिन ये जो फोन है ये 4GB रैम के साथ आपको मिलेगा इस प्राइस रेंज में। इसका एक और वेरियंट है जो कि आपको 15,000 के ऊपर देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस फोन को परचेज करना चाहते हो जो कि एक 5G फोन है, तो 4GB प्लस 128GB के साथ इसे आप 14,999 रुपये में फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों अंडर 15,000 रुपये के प्राइस में इस टाइम पर अभी दो ही 5G फोन अवेलेबल हैं जो कि अभी जस्ट हाल ही में लॉन्च हुए हैं और फ्लिपकार्ट पर आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों आप 15,000 से 20,000 रुपये के अंदर जाते हो तो आपको बहुत सारे 5G फोन देखने को मिलेंगे। आप चैनल पर जाओ, वहाँ पर आपको वीडियो पहले से अपलोडेड मिल जाएगी। अब दोस्तों अगर आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो कि कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, तो देखो यहाँ पर सीधी सी बात है कि अगर आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस वाला फ़ोन चाहिए तो आप रियलमी का रियलमी 8 5G ले सकते हो जो कि आपको 4GB रैम के साथ देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपको 6GB रैम वाला चाहिए तो आप ओप्पो का फ़ोन ले सकते हो, वो आपको 6GB प्लस 128GB के साथ मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर आपको रैम ही ज़्यादा मिलेगा। बाकी सारे के सारे जो परफॉर्मेंस है, कैमरा परफॉर्मेंस, बैटरी और यहाँ पर जो डिस्प्ले है, वो थोड़ा सा आपको एवरेज टाइप का मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आपको रियलमी 8 5G के साथ जाना चाहिए जो कि 4GB प्लस 128GB के साथ आपको मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर आप इस दोनों 5G फोन से खुश नहीं हो तो आप मेरी मानो तो आप एक 4G फोन ले लो, क्योंकि दोस्तों वैसे ही अभी टाइम खराब चल रहा है और 2 साल में 5G आने वाला था और अभी तो और लेट हो जाएगा। तो अंडर 15,000 रुपये के प्राइस में आपको बहुत सारे 4G फोन मिलेंगे जिसमें आपको 8GB रैम तक का सपोर्ट देखने को मिलेगा, पावरफुल प्रोसेसर मिलेगा जिसमें आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हो, तगड़ी गेमिंग कर सकते हो, अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। आप चैनल पे एक बार जरूर जाओ, वहाँ पर आपको अंडर 15,000 रुपये के प्राइस वाली वीडियो मिल जाएगी और बेस्ट गेमिंग फोन और भी बहुत सारी वीडियो मैं वहाँ पर रेगुलर अपलोड करते रहता हूँ। तो चैनल पर जाओ, और दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना और लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।